so we have uh, been learning about investment function marginal efficiency of capital for so many days now and uh, till before uh, like in the before lectures we have said uh, about what is investment function what are the different types of investment fun uh, investments that is autonomous investment which does not depend on income induced investment which does depend on income then we have seen the what is mpi that is marginal propensity to invest uh, then we have seen the determinants of investment and today we are going to see how are we going to calculate mec that is expected return of returns or expected profits from the business और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स वी कॉल इट एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू मैं आपको क्या सजेस्ट करने वाली हूँ कि ब्रिंग योर नोटबुक्स विथ यू ब्रिंग योर पेन्स एंड जैसे ही हम ये सम सॉल्व कर लेते हैं आपको भी ये सम मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा ओके okay, क्योंकि ये एग्जाम्पल है मैथमेटिकल एग्जाम्पल है और उसके लिए मैंने पूरे स्टेप्स आपको लिख कर दिए हैं लेकिन फिर भी अगर आप मेरे साथ सॉल्व करते हो तो उसमें जो भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है यू कैन आस्क मी अगर आपको अभी समझ में आ रहा है फिर आपको वीडियो देखना है वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा बंद करके खुद से सॉल्व करना है ओके okay? और अगर ये भी नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे पूछना है आपको वीडियो देखकर कल के जैसा ही वहां पर कमेंट्स डालने कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आया है या नहीं आया है ओके लेट्स लेट्स स्टार्ट सी वी ऑप्टेन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन अ फॉलोइंग वे सी वी आर प्लेइंग विद आवर इंटरनेट सो so, जम कर पढ़ते हैं और जमकर खेलते भी है इंटरनेट के साथ ओके सो वट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर इज सप्लाई प्राइज इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्रोरोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स तो हमें पहले क्या करना होगा उसके लिए सी ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा सी इज इक्वल टू आर वन अपॉन वन प्लस आर प्लस आर टू in the bracket one plus r bracket square because it's r2 okay then there is r3 uh, let me just um, get back to you uh, just a minute okay there is a wrong syllable that i'm seeing here okay so this is the formula that we, ha uh, we have been seeing uh, r1 Upon 1 plus r plus r2. Uh, are you able to see my screen? People? Okay. Okay, I'll share. With no, you. Yeah. Now, are you no, to, now, are you able to see my screen? Yes. Okay, so let's yes. see. So, this formula, just write it down on your notebook, okay? C is equal to r1. अपॉन वन प्लस आर प्लस आर टू अब ये आर टू है तो इसलिए डिनोमिनेटर में क्या है देखो वन प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कैपिटल आर थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस स्मॉल आर ये आर थ्री है तो ब्रैकेट क्यू और ऐसे ही चलता जाएगा सीरीज तो मिलेगा हमें आर एन मतलब आर एन अपॉन वन प्लस आर और ब्रैकेट का पूरा का पूरा एंथ इंडेक्स ओके okay? सो लेट सी इन द अबव फॉर्मूला सी स्टैंड फॉर सप्लाई प्राइस सप्लाई प्राइस मतलब आप वो कैपिटल में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो एसेट का क्या प्राइस है इसको बोल रहे हैं हम सप्लाई प्राइस तो ये सी स्टैंड्स फॉर सप्लाई प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड आर मतलब सप्लाई प्राइस को ही हम क्या बोलने वाले हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट और इसके लिए हम उसे सी बोल रहे हैं इट्स नॉट कंजम्शन पहले वाले लेसन में जब हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमेशा सी क्या होता था हमारा कंजम्पशन होता था राइट लेकिन यहाँ पर सी कंजम्पशन नहीं है तो ये हमारा सप्लाई सप्लाई प्राइस है या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है राइट तो सी इज ए रिप्लेसमेंट कॉस्ट फिर उसके बाद है आर वन आर टू आर थ्री और जितने भी लेन हो आर एन तक In, मतलब कौन सा भी नंबर ओके okay? तो दे रिप्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम हर साल वो कितने आ रहा है ये कैपिटल आर ओके समझ में आ रहा है हमने दो टर्म्स देखे अभी तक एक था सी जिसका मतलब है सप्लाई प्राइस वो कैपिटल एसेट uh, जो है उसकी प्राइस उसकी कॉस्ट ओके okay. और दूसरा देखा कैपिटल आर जिसका मतलब था कि आपका यील्ड कितना है उस एसेट से हर साल का हमें कितना पैसा मिल रहा है कितना प्रॉफिट मिल रहा है कितना रिटर्न मिल रहा है वो एसेट से हम स्मॉल आर इज दैट द रेट ऑफ डिस्काउंट विच रेंडर्स द एन्युअल रिस्पेक्टिव इक्वल टू सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स ओके इसका मतलब है जो छोटा आर है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है जिसके ऊपर आपका एनुअल रिटर्न डिपेंड करता है टू द सप्लाई प्राइस ओके मतलब सप्लाई प्राइस कैपिटल एसेट की जो प्राइस है उसके हिसाब से आपको कितने रेट से प्रॉफिट मिल रहा है इसका रेट है जो स्मॉल आर है मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया सी कैपिटल सी था सप्लाई प्राइस ऑफ एसेट कुड यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ

कैसा डिस्काउंट रेट है कि सप्लाई प्राइस के तुलना में सप्लाई प्राइस के कंपैरिजन में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा उसका डिस्काउंटेड रेट है ओके दस आर रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट और एमईसी देयरफॉर आपका जो स्मॉल r है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा एमईसी ओके लेट्स सी आपने यहाँ तक लिखा होगा होपफुली ये लिख लिया है आपने पूरा का पूरा नहीं लिखना है फॉर्मूला लिखना है और अगर आपको चाहिए तो ये बड़ा वाला सी क्या है r क्या है और छोटा वाला r क्या है इसके बारे में देखना है ओके लेट्स सी द द नेक्स्ट वन अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसके बारे में ओके द मेजरमेंट ऑफ एमईसी कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द अरिथमेटिक एग्जांपल अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल ओके सपोज इट कॉस्ट थ्री थाउजेंड रुपीज टू इन्वेस्ट इन अ सर्टन मशीनरी तो इसका मतलब है आपको इन्वेस्ट करने के लिए थ्री थाउजेंड रुपीज लगने वाले एक मशीनरी में ओके इन अ सर्टन मशीनरी एंड द लाइफ ऑफ मशीनरी टू ईयर्स कितना है लाइफ स्पैन मशीनरी का दो साल टू ईयर्स ओके मतलब आपका कैपिटल का मतलब जो क्या है पूरे मशीनरी की प्राइस क्या है थ्री थाउजेंड है और आपको ये कितने साल तक काम आने वाली है दो साल तक दैट इज आफ्टर टू ईयर्स इट बिकम्स क्वाइट यूजलेस हैविंग नो वैल्यू सपोज फर्दर दैट इन द फर्स्ट ईयर द मशीनरी एक्सपेक्टेड टू यील्ड इनकम ऑफ रूपीज वन वन जीरो जीरो तो पहले साल में मशीन से कितना प्रोडक्शन या फिर कितना आउटपुट मिलेगा जिसको हमें इनकम मिलने वाला है रूपीज वन थाउजेंड वन हंड्रेड ओके एंड इन द सेकेंड ईयर दूसरे साल में आपके मशीन से कितने पैसे मिलने वाले हैं टू थाउजेंड फोर ट्वेंटी समझ में आ रहा है मशीन की कॉस्ट थ्री थाउजेंड मशीन का टाइम या फिर है टू पहले साल में मशीन से आपको यील्ड मिलने वाला है मतलब हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि लीड आ, हमें यील्ड रुपीज वन थाउजेंड वन हंड्रेड दूसरे साल में वो मिलेगा रुपीज टू थाउजेंड फोर ट्वेंटी

आप देख सकते हो कि सी मतलब आपका सप्लाई प्राइस थ्री थाउजेंड रुपीज़ है वो मशीनरी की जो कॉस्ट आई है वो आपका सप्लाई प्राइस है थ्री थाउजेंड फिर आर वन मतलब एक साल का एक्सपेक्टेड इनकम है वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड आर टू मतलब दूसरे साल का एक्सपेक्टेड इनकम है टू थाउजेंड फोर ट्वेंटी यहाँ तक समझ में आ रहा है बिल्कुल या फिर कुछ प्रॉब्लम है बताओ मुझे नहीं राइट लेट्स गो देन तो ये जो आर है राइट तो क्या है मैम फिर जो... से एक्सप्लेन करो श्योर श्योर थिंग कर लेती हूं ओके अब हमारा एक पहले ये फॉर्मूला अगर आपने लिखा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो आर है वो बाकी और कुछ नहीं है एम -E है क्या है छोटा आर मतलब क्या बताओ मुझे एसिड्स एसेट्स एसेट्स uh, नहीं ओके okay? छोटे आर का मतलब है एम ई सी दैट इज मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ कैपिटल मतलब एक्चुअली जो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रेट में हमें कैपिटल पे रिटर्न मिलने वाला है देखो हमने देखा था कि सेविंग्स के ऊपर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर टेन परसेंट है तो हमारा एम ई सी फिफ्टीन परसेंट होना चाहिए तभी uh, तभी हमारे इकोनॉमी में बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट ऐसे बारे में हमने कुछ देखा था लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये जो एम है वही हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रेट ऑफ रिटर्न से हमें मिल रहा है आ, मतलब रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है हमें आप हमारे इन्वेस्टमेंट पे ओके सो स्मॉल आर का मतलब है मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो हमें ढूंढना है ओके okay? ये जो आर है दैट इज हमारे ये जो एसेट हमने खरीदा है जो मशीन खरीदा है उससे हमें कितना इनकम मिल रहा है तो पहले साल के लिए कितना मिल रहा है दैट इज कैपिटल कैपिटल और R2, मतलब दूसरे साल में कितना इनकम मिल रहा है ओके okay? तो इसके बाद क्या है हमें ये भी पता है कि वो मशीन की कॉस्ट है रुपीज थ्री थाउजेंड जो हमें दी गई है क्वेश्चन में तो हमने उसको सी बोला है सप्लाई प्राइस दैट इज सी दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट थ्री थाउजेंड कॉस्ट ऑफ मशीनरी अब ये समझ में आ रहा है हम क्या क्या कहा से ला रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है मतलब जो सम दिया है उसमें से ओके okay? अब आपको क्या याद रखना है कि ये C थ्री थाउजेंड है फॉर्मूला में हम दो साल के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं इसलिए सिर्फ R2 तक ही फॉर्मूला है ओके okay? तीन साल के लिए होता तो R3 थ्री अपॉन वन प्लस आर ब्रैकेट क्यूब हो जाता ओके okay? ये सिर्फ ए दो साल के लिए इसलिए आर वन अपॉन वन प्लस आर ब्रैकेट सिर्फ ब्रैकेट प्लस आर टू अपॉन वन प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा फॉर्म्यूला है ओके आता है तुम्हारा समझता है का मैं परत एक्सप्लेन करूँ तुम्हारा वाट है मैं संगा हतल का समझत नहीं आता कुछ ही टर्म समझत नहीं तुम्हारा ओके okay, समझता तरी है का कि थोड़ा सा एटलीस्ट समझता समझ hmm? so आगे क्या है ऑन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल एमसी का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन द अब एक्सप्रेशन इट इज फाउंड टू इक्वल टू टेन तो जैसे ही हम ये सम सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा कि ये आर का छोटे आर का क्या वैल्यू होगा टेन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज टेन परसेंट इज इक्वल टू टेन परसेंट इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ आर That is 10 in the above equation we obtain the following. Okay तो मतलब ये जब हम सोल सौ, सम करेंगे यहाँ पर अभी के लिए मैंने पूरा सम नहीं सॉल्व किया है क्योंकि मुझे आपको बताना था कि जब हम आर की वैल्यू ऑप्टेन करेंगे तो क्या मिलेगा ओके okay? तो ये सम हम जब सॉल्व करेंगे ओके okay? तो हमें एक्चुअल में आर की वैल्यू क्या मिल जाती है वो मिल जाती है टेन परसेंट ओके okay? ये मैंने सम सॉल्व करके नहीं दिखाया है क्योंकि अभी के लिए मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है ओके okay? अभी के लिए आपको ये देखना है कि कैसे हमने इसका यूज किया इसका इस्तेमाल किया एम के बारे में बोलने के लिए ओके okay? तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसका इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप डायरेक्टली ऐसा लिख लीजिए दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू देर फोर आर इज इक्वल टू टेन परसेंट ओके okay? आपको घर में सॉल्व करने की कोशिश करनी है ओके okay? मतलब ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है कि आप कैसे सॉल्व करोगे hmm? R 10%. मतलब आपके एसेट्स पे आपको कितना प्रॉफिट मिलने का एक्सपेक्टेड रेट है कितने चांसेस है कितने परसेंट से टेन परसेंट आप टेन परसेंट ज्यादा पैसे अगर आप हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो टेन परसेंट उस पर आप प्रॉफिट कमाओगे दैट आपको 110 इतना मिलेगा ओके okay? रिटर्न में मिलते वक्त इसका मतलब आपको टेन परसेंट ज्यादा मिलेगा समझ में आ रहा है आपको एम uh, ई का मीनिंग हुँ? आपने अगर हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट किए मशीनरी बाय करने में तो आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है टेन परसेंट सिंपली अगर आप ये देखो तो अगर आपने थ्री थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट किए यस yes. अगर आपको ये थ्री थाउजेंड आपने इन्वेस्ट किए तो उस पर टेन परसेंट आपको मिलना चाहिए ऐसा हम बोल सकते हैं नॉट एग्जैक्टली मतलब मुझे पता है हम ऐसे बोल देते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो थ्री थाउजेंड का है ओके okay? तो थ्री थाउजेंड पर एक्चुअल हमें अगर टेन परसेंट मिलना है मार्जिनल एफिशियसी ऑफ कैपिटल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा तो आप बताओ मुझे कितना मिलेगा देखो कितना मिलना चाहिए एक्चुअली करेक्ट समझ में आ रहा है मतलब सभी कॉस्ट को एक ही आप करोगे 10 के लिए. इसका मतलब है आपके पास है 300, जो आपको मिल 3000 के साथ ओके okay? तो सिंपली से मुझे आपको क्या बताना है एम मतलब इतना कुछ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितने परसेंट में आपको उसको उसके ऊपर कुछ Uh, फायदा मिलेगा ओके सो लेट्स गो फर्दर ये देखते हैं कि हम ये और वाले सम में कैसे डाल लेते हैं, hmm? अब देखो, हमारे पास समझाओ, uh, कौन सा वाला पार्ट आप बता सकते हो कौन सा वाला समझाना है वापस से मैम अभी जो आपने सिखाया ना वो ये पूरा ओके ठीक okay, है बताती हूँ ओके okay? लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो एक तो आपको ये बुक में लिख लिख लेना है और अगर ये नहीं समझे तो आपको फिर से एक बार वीडियो में जाकर देखना है क्योंकि मैंने ये पहले से ही पूरा पढ़ाया है आपको पहले वाले लेक्चर्स का भी उसमें रेफरेंस लेना पड़ेगा ओके सो लेट स्टार्ट विद सप्लाई प्राइज मतलब सी तो हमारे यहाँ ये एग्जाम्पल में एक मशीनरी की सप्लाई प्राइज है थ्री थाउजेंड रुपीज कॉस्ट क्या है मशीनरी की थ्री थाउजेंड रुपीज ओके दो साल लाइफ स्पैन है मशीनरी का इसलिए जो हमारा पिछला वाला फॉर्मूला था वो था आर एन अपॉन वन प्लस आर ब्रैकेट रेस टू एन जिसका मतलब है ये नंबर ऑफ इयर्स तक चलेगा हमें सिर्फ दो साल तक चाहिए इसलिए पहला आर वन लिया और आर टू लिया आर वन अपॉन वन अपॉन आर इसमें से कैपिटल आर ये हमारा यील्ड है एक्चुअल पैसों में यील्ड है जो हमें मिलता है सो so, रुपीज वन वन जीरो जीरो ओके दैट्स व्हाट वी गेट इन फर्स्ट ईयर फ्रॉम दैट मशीनरी वो इतना पैसा मिलता है आर टू कैपिटल कैपिटल आर ओके सो कैपिटल आर टू इसका मतलब है दूसरे साल में दो हज़ार चार सौ बीस टू फोर टू जीरो इतने पैसे हमें मिलेंगे वो मशीन के यूज़ करने से ओके okay? और हमें निकालना था छोटा वाला आर दैट इज़ एम ई सी मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ कैपिटल Okay. So, 3000 1100 1 upon 1 plus r plus 2, upon 1 plus r 2420 अगर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो आप मैथमेटिकल प्रोसेस से कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ध्यान अभी के लिए मैथमेटिकल प्रोसेस पे देना पड़ेगा तो हमें आर की वैल्यू मिल जाती है टेन परसेंट कितना मिल रहा है मुझे आर बताइए आप प्लीज स्मॉल r करेक्ट टेन परसेंट परसेंट करेक्ट अब हमने क्या किया सिंपली ये r की जो वैल्यू है ना टेन वो सिर्फ ये फॉर्मूला में डाल दिए ओके okay? तो इसका मतलब मुझे मिला कि आ, यहाँ पर थ्री थाउजेंड तो वैसे की वैसे नीचे आए हैं राइट वन थाउजेंड वन हंड्रेड भी वैसे ही है और टू थाउजेंड फोर ट्वेंटी भी वैसे ही नीचे है अब हमने क्या किया ये वन प्लस आर कितना था टेन राइट right? तो आर एक परसेंटेज में है और टेन परसेंट का मतलब ही क्या होता है जीरो पॉइंट राइट आपको ये याद है जब हम टेन परसेंट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है जीरो पॉइंट वन जीरो राइट अगर आप फिफ्टी टू परसेंट बोले तो फिफ्टी टू परसेंट का मतलब होता है फिफ्टी टू परसेंट इज इक्वल टू सॉरी 52% नो नॉट no, 5.2 0.52 क्यों ऐसा होता है आपको पता है देखो अब आ, आप जब 10% के बारे में बात कर रहे हो तो होता है वो 10 अपॉन 100 राइट right? ऐसे ही होता है 10% मतलब क्या 100 में से 10 राइट right? तो आप इसको अगर डेसिमल फॉर्म में देखे, तो वो क्या हो जाएगा जितने जीरोज है उतने उतने नंबर्स के बाद आप पॉइंट लगा लेते हो एक दो मतलब दो जीरोज है तो दो जीरोस के बाद पॉइंट लगेगा और इसकी वजह से हमें जीरो पॉइंट वन जीरो ऐसी फिगर मिलती है अब फिफ्टी टू परसेंट के बारे में आप जब बात कर रहे हो तो क्या होगा फिफ्टी टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड ऐसा हो जाएगा अब मुझे बताओ जीरो कितने नंबर्स के पीछे लगेगा अब मतलब जो पॉइंट है वो किस टू के पीछे लगेगा फाइव के पीछे लगेगा मतलब कितने जीरोज है नीचे के पीछे लगेगा करेक्ट पॉइंट फाइव के पीछे लगेगा क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में छेद में ओके okay? दो जीरोजे कितने जीरोजे बताओ दो ओके okay? तो ये जो दो जीरोजे आप सिर्फ एक दो राइट साइड से काउंट करोगे और जितने प्लेसेस है उसके बाद पॉइंट दे दोगे पहला जीरो दूसरा जीरो पॉइंट एंड जीरो समझ में आ रहा है यही नंबर हमने लिखा है इसका मतलब फिफ्टी टू परसेंट क्या बन जाता है जीरो पॉइंट फाइव टू अब आप मुझे बताओ सिक्सटी सेवन परसेंट के बारे में क्या बोलना है आपको सिक्सटी करेक्ट जीरो पॉइंट सिक्स सेवन अब थोड़ा और बता दीजिए ओके टू okay? परसेंट क्या होगा टू परसेंट करेक्ट अब ये कैसा होगा टू के बारे में हम टू परसेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो टू अपॉन हंड्रेड ऐसा लिखेंगे राइट right? मतलब हमारे छेद में डिनोमिनेटर में कितने जीरो राइट right? तो हमने पहला जीरो टू पे काउंट किया दूसरे जीरो के लिए कुछ नहीं है इसलिए वो जीरो यहां पर लगाएंगे और फिर उसके पीछे पॉइंट देंगे जीरो पॉइंट जीरो टू समझ में आ रहा है अब ये देखते हैं कि हम, मैंने अगर ऐसे बोला कि सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट तो क्या होगा डेसिमल में आप कैसे लिखोगे जीरो सोच लो सोच लो सेवेंटीन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड राइट ऐसे होने वाला है क्या हाँ जीरो पॉइंट करेक्ट एकदम से करेक्ट पहले तो हमारा ये पॉइंट है लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा राइट right से तो पहला जीरो दूसरा जीरो तो यहाँ पर पहला जीरो क्रॉस हुआ या पर दुसरा झिरो क्रॉस हुआ मतलब एक्झॅक्टली exactly हम बात करणेवाले क्या होगा झिरो बर? पॉईंट वन सेवन फाईव्ह आता तुम्हाला कन्व्हर्जन कळलं आपण आरच कसं केलंय ते बरोबर म्हणजे जेव्हा आपण आर टेन पर्सेंट म्हणतो तेव्हाच त्याचं आर असं लिहिताना आपण असं लिहितो झिरो पॉईंट वन झिरो किंवा नुसतं वन कारण पुढच्या शून्याला डेसिमल मध्यमत जो राइट right साइड में जीरो आता है वो डेसिमल में उसका डेसिमल फ्रैक्शन में उसका कुछ वैल्यू नहीं आता तो जीरो पॉइंट जीरो सो आता तुम लेट मी जस्ट रब एवरीथिंग फ्रॉम ओके आता तुम्हारा बैठ तुम्डे ऑलरेडी वन है राइट right? वन तुम्हाला आर पण प्राइस करिएट इज जीरो पॉइंट वन जीरो राइट करेक्ट तो आप ये सब इजीली कर सकते हो राइट right? ये क्या होगा वन पॉइंट वन जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो होता है वन पॉइंट वन जीरो और वन प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर तो होगा वन पॉइंट वन जीरो का पूरा का पूरा, पूरा ब्रैकेट स्क्वायर देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है ये हम्म डेफिनेटली समझ में आ रहा है अब आपको ये सब लिखना है पहली हुँ. बार तो आपने जब लिख लिया तो मुझे बता देना मैं आगे वाला दिखाऊंगी आपको ओके आपको लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है वो आप बाद में लिख लेना नोट्स में अभी के लिए ये सम लिखना है ओके वेरी गुड ओके सो आता आर इज इक्वल टू टेन परसेजल सी दैट इज थ्री थाउजेंड इज इक्वल टू वन थाउजेंड वन हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो प्लस टू थाउजेंड फोर ट्वेंटी डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो ब्रैकेट रेस टू ब्रैकेट स्क्वेर ओके सो लेट्स सी के आगे क्या आता है इसके बारे में अब हम इजीली ये कर सकते हैं थ्री थाउजेंड इज इक्वल टू वन थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड अगर आप सिमिलरली ये कैरी कर लेते हो पूरा का पूरा तो कैसे आपको देखना है ये एक्चुअली इजी वाला मैथ से आप कर सकते थे ओके okay? तो ये पॉइंट है यहाँ पर दो लाइन का मतलब आप यहाँ पर अगर दो जीरोज बढ़ा देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका ये पॉइंट चला जाएगा ओके okay? ये पॉइंट चला जाएगा तो अगर आप अभी आपके पास क्या बोलता बचता है वन वन जीरो एंड वन वन जीरो 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 तो हमने ये वन वन जीरो के जगह पर वन डाल दिया कि क्योंकि ये एक ही है और उसके बाद तीन जीरो लगा दिए ओके समझ में आ रहा है ये राइट यस हम इसका मतलब ये वन थाउजेंड कैसा है वो तो तुम्हें पता चला होगा राइट right? ये वन थाउजेंड और यहां पर हमने क्या किया है पता है ये टू फोर टू जीरो है ना वो वैसे कि वैसे ही रखे ये नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो टू फोर टू जीरो वैसे ही है और वन पॉइंट वन का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है नहीं आपको पता नहीं है आपको पता होना चाहिए ओके वन पॉइंट वन का स्क्वायर होता है वन पॉइंट टू वन अकराचा वर्ग असतो एकशे एकवीस आणि म्हणून वन पॉइंट वनचा स्क्वेअर असतो वन पॉइंट टू वन बाकी तुम्हाला मॅथमॅटिकल प्रिन्सिपल आता समजावणार नाही आहे ओके सो सिंपली पर भी दो पॉइंट डेसिमल, डेसिमल हटाने के के लिए निकाल देने के लिए हमें यहाँ पर दो नंबर है तो यहाँ पर दो झिरोज लगवाने पड़ेंगे दो पड ऐड करने पडेंगे राइट तो वन टू वन का टू टाइम्स क्या होता है टू टाइम करेक्ट टू फोर्टी टू तो अगर हम, फिर हमने वन टू वन को यहाँ पर एक ही कर दिया और टू फोर्टी टू को क्या कर दिया टू और two. बाकी के कितने बचते हैं? वेरी गुड तो हमारे पास आपको समझा एक हजार और दो हजार कैसे आए राइट हाँ. right? और फिर एक हजार प्लस हाँ. दो हजार कितने बन गए? गएजेंड प्लस टू थाउजेंड इज थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड इजोर टू लिख लो एक बार फिर मैं आ, मतलब आगे चलती हूँ ओके okay. uh, होपफुली आपने ये लिख लिया होगा बहुत ही ईजी है तो मतलब आपको समझ में आया है ये हमने कैसे निकाला हा? पूरा का पूरा अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊँ इसके बारे में कुछ सम्स दू तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे hmm. ठीक है आज के लिए हमें यहाँ पर आकर रुकना था कि हमने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया लेट्स डू वन थिंग हम ये लेसन में क्योंकि इसके बाद हम और एक नए वाले इन्वेस्टमेंट की थियोरी की ओर बढ़ने वाले हैं तो लेट्स डू वन थिंग कि ये वाले लेसन में हमने क्या क्या सीखा इसका एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते से नेक्स्ट लेक्चर से हम देखना शुरू करते हैं कि हम uh, आगे की थियोरीज कैसे पढ़ेंगे ओके इज दैट फाइन सो लेट्स 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 जस्ट स्टार्ट ओके Uh, मी आता तुम्हाला प्रश्न विचारणार तुम्ही मला त्याची उत्तर द्यायचे ओके दॅट्स द रूल तुम्ही किती शिकला काय काय आठवत आहे हे तुम्हाला मला हे मला कळलं पाहिजे तुम्हाला किती आठवत आहे ते बताओ की जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे राईट right? तो हमने ये देखा था इन्वेस्टमेंट दो टाइप पे डिपेंड करती है राईट right? uh, दो टाइप uh, मतलब दो फॅक्टर्स पे डिपेंड करती है वो कौन से फैक्टर थे बताइए अगर एसी। करेक्ट एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी वेरी गुड आई एम रियली अमेज्ड विथ योर आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमईसी ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है हमें कि सेविंग्स कितना मतलब सेविंग्स पे कितना रिटर्न मिलेगा और एम ई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बताता है कि अगर आपने कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया मतलब मशीनरी लेबर या फिर प्लांट लैंड फैक्ट्री तो उस पर अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उस पर कितना फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा ओके okay? अब इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं वो दो टाइप कौन से हैं बताइए वो दो टाइप कौन से हैं एक तो आपके सामने खुला हुआ है ऑलरेडी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब वैसा वाला इन्वेस्टमेंट जो इनकम के साथ कुछ लगाव नहीं रखता उसका कुछ रिलेशन नहीं होता जो इनकम के साथ चेंज नहीं होता दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम ओके okay? और जो इनकम के साथ डिपेंड नहीं होता इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा जो खर्चे करते हैं जैसे कि पुल बनाना या फिर डैम्स धरण ओके okay? तो डैम्स बनाना रोड्स कंस्ट्रक्ट करना और हमारे लिए बहुत ज्यादा खर्चे करती है गवर्नमेंट बहुत बड़ा बजट होता है गवर्नमेंट का पब्लिक यूटिलिटी के लिए तो ये सब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो जाता है राइट right? और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में बहुत ही कंसिडर uh, किया जाता है केन्स के साथ केन्स बहुत कंसिडर करता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को क्योंकि उसे लगता है कि गवर्नमेंट जब इकॉनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है कुछ रिसेशन जैसा प्रॉब्लम चल रहा है मतलब गवर्नमेंट में डिमांड कम है हमने देखा था रिसेशन में क्या होता है एग्रीगेट डिमांड कम होता है जॉब चली जाती है ये सब प्रॉब्लम है तो उस टाइम गवर्नमेंट अपना खुद का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर वो जो रिसेशनरी पीरियड चल रहा होता है उसको प्रोस्पेरिटी पीरियड में टर्न आउट कर सकते ओके? सो okay? so को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है ने। फिर हमने देखा दूसरा टाइप इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अब मुझे बताओ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है इनकम पर। करेक्ट, वेरी गुड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड करता है और जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और इसीलिए हमने जब वाई एक्स एक्सिस पे इनकम देखा और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट देखा तो हमें ऐसा ऊपर चढ़ने वाला सप्लाई लॉ में जैसा देखा था वैसा एक ग्राफ देखने को मिला जिसमें हमें पता चला कि जैसे ही आपका एक्स एक्सिस पे इनकम बढ़ेगा वाई एक्सिस पे वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा राइज इन इनकम मीन्स राइज इन इन्वेस्टमेंट ओके और ये जनरली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाने की जरूरत होती है दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए राइट उसके बाद हमने ये देखा था कि इन्वेस्टमेंट का फंक्शन क्या है और एम क्या है राइट एम का मतलब क्या होता है आप बोल सकते हो मुझे फुल फॉर्म क्या है एम का बताइए मार्जिनल प्रोपरसिटी करेक्ट मार्जिन करेक्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट राइट तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट हमने देखा कि मतलब रेशो ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टू रेशो ऑफ योर इनकम आपके इन्वेस्टमेंट uh, में कितना बदलाव आया है चेंज आया है डेल्टा आय टू द आपके इनकम में क्या चेंज आया है डेल्टा वाय एम पी आई इज इक्वल टू डेल्टा आय टू डेल्टा वाय इसमें हमने ये भी देखा था कि आय मतलब इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम मतलब दोनों का होता है लेकिन शॉर्ट रन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही सेम रहता है कुछ चेंज नहीं होता और इसीलिए केन्स को ऐसे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरली इनकम पे ज्यादा डिपेंड होता है ओके फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके डिटर्मिनेंट्स कौन से तो हमने वो पहले ही देखे एक एम और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका एम ज्यादा है तो इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और इसी वजह से हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सेविंग्स पे जो रिटर्न मिलने चाहिए उससे आपका एम का रेट दैट इज स्मॉल आर जो आज हमने पढ़ा वो बड़ा होना चाहिए ओके तो ही इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता जाएगा इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा ओके okay. फिर हमने ये भी देखा कि हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है हमारा बिजनेस तीन टाइप के चीजों पर डिपेंड करता है कॉस्ट रिटर्न मतलब प्रॉफिट और एक्सपेक्टेशन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो ये एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है वो एम पर डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और हमेशा ही छोटे आर से मतलब आ, हम आ, जो बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे मार्जिनल ऑफ कैपिटल को ग्रेटर होना चाहिए और इसकी वजह से हमने वो कैसे कैलकुलेट uh, किया जाता है वो देखा उसके लिए हमने तीन फैक्टर्स देखे एक था सप्लाई प्राइस ओके जिसको हम सी बोल रहे थे एक था आर वन मतलब पहले ईयर में कितना uh, पैसे मिलेगा वो एसेट से आर टू मतलब कैपिटल आर टू मतलब कितना पैसा मिलेगा वो एसेट से दूसरे ईयर में ऐसे आर एन तक मतलब जितने साल उत, उतने तक और एक स्मॉल आर था जो था आपका एम सी में एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया अगर आपको याद है मतलब याद होना ही चाहिए मैंने आज आपको पढ़ाया वो ओके okay? तो ये सब एग्जाम्पल लिखा आपने ये लिखा और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी कुछ भी कुछ भी डाउट है प्लीज प्लीज मी डोंट हेसिटेट टू आस्क आपको पूरा का पूरा वीडियो फिर से एक बार जाकर यूट्यूब पे देखना है और वहां पर कॉमेंट डालना है अगर आपको समझा नहीं समझा और ये अपने अपने दोस्तों को भी बताइए क्योंकि वो लेक्चर अटेंड नहीं करते है ये राइट सो आई गिव यू दटेंडेंस शीट प्लीज मार्क यूर अटेंडेंस देर एंड वॉट कैन आई से डू अवे विथ इट ओके ओके आई है अटेंडेंस ही